हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? हाँ जी, आज हमारा पहला टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है डे बुक। ठीक है, डे बुक क्या चीज़ होती है, ये इसमें आगे कौन कौन सी डे बुक्स आती हैं, किस तरह से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, किस मकसद के लिए होता है, ये आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले जी डे बुक, डे बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें रोज़ाना की बेस पे हम एंट्रीज करते हैं। ठीक है, ये डे बुक्स मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, ये आप कह लें सबसे पहले होती है सेल्स डे बुक, देन परचेज डे बुक, परचेज डे बुक एंड देन आ जाती है सेल्स रिटर्न डे बुक। देन परचेज रिटर्न डे बुक, देन कैश बुक, एंड देन जनरल जनरल। अच्छा जी, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस के बाद सबसे इजी चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फाउंडेशन टू अकाउंटिंग, इसमें ये है। ठीक है, डे बुक्स वाला। अब डे बुक्स में हम कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं? एंट्रीज रिकॉर्ड इन डे बुक, जिन जिन चीजों के साथ आ रहा है डे बुक, इसमें हम ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड करते हैं, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक हो गया। आप कहेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में डे बुक का आया हुआ हो, पेपर में या बुक में डे बुक आया हुआ हो, डे बुक बनानी है, तो हम जो क्रेडिट की सेल्स होंगी, क्रेडिट की परचेज होंगी, उसको तो हम डे बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, और कोई कैश की एंट्री होगी तो उसे कैश में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जी कैश रिलेटेड आएंगे। ठीक हो गया। कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, सही हो गया। अब जो इसमें, ठीक है, और इसमें फॉल नहीं करती, वो जनरल जनरल में आ जाएंगी। जनरल का मतलब ये है कि जनरल मतलब जैसे आम जर्नल बनाते हैं वही जर्नल होगा, लेकिन इसको हम जनरल जर्नल कहते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसमें हम कैश रिलेटेड एंट्रीज इधर डालेंगे कैश बुक में, और जो
बाकी की एंट्रीज बच जाएंगी, इसके अलावा जो भी होंगी वो हम जनरल जर्नल में डाल देंगे। अब जी इसमें जो है डे बुक्स बनाने का क्या मेथड है? डे बुक बनाने के लिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक डे बुक, ये ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगी डेट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नेम और पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, आगे इनवाइस नंबर आ जाएगी एंड देन अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे जी हम अमाउंट लिख देते हैं, यहाँ पे जी इनवॉइस नंबर आ जाता है, यहाँ पे जी नेम आ जाता है जिसके साथ हुई है ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे डेट आ जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप जो बना रहे हैं सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, विच एवर, सेल्स डे बुक, ये तो है जी इसका फॉर्मेट। ठीक हो गया। अब सेल्स हम इसमें क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स डे बुक इज अ बुक इन विच क्रेडिट सेल्स रिलेटिंग टू बिजनेस आर रिकॉर्डिंग। सेल्स डे बुक के साथ मैं ये लगाता हूँ इसकी डेफिनेशन लिखने लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक इन विच क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड। अब इसको बनाने का क्या है मेथड, मतलब इसको हम किस की बेस पे बनाते हैं? ये जो सेल्स डे बुक है इसके बनाने का जो हमारे पास सोर्स है वो भी जी मैं नीचे लिखता हूँ, सोर्स क्या है? सोर्स है इसका सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस। जब जी आपने कोई भी सेल की, ठीक है, चाहे वो क्रेडिट सेल हो चाहे वो कैश सेल हो, दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक कैश सेल होती है एक क्रेडिट सेल होती है। कैश सेल जिसमें आपने पैसे दिए और चीज़ उठा ली, दूसरी होती है क्रेडिट सेल जिसमें आपने बोला कि भाई हमें चीज़ें दे दो और हम आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आपको पैसे दे देंगे। ठीक हो गया। अब सेल्स डे बुक में सिर्फ वही सेल्स रिकॉर्ड करनी है जो क्रेडिट पर हो, ठीक है, जिसके आपने पैसे नहीं दिए बल्कि आपने क्रेडिट पे ली है, ये है। अब आपकी सेल क्रेडिट हो या कैश सेल हो, दोनों के लिए इनवॉइस बनेगी एक, कि भाई इसने हमसे सेल की है, इतनी क्वांटिटी ली है। सेल्स इनवॉइस का कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है, वो भी मैं आपको शॉर्टली बना देता हूँ। आपने देखी भी होगी कई जगहों पे, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, ऊपर इस तरह से बना होता है और एक इस तरह से लाइन लगी होती है, ठीक है। इस तरह से ऊपर लिखा होता है सेल्स इनवॉइस,
सेल्स इनवॉइस लिखा होता है। यहाँ पे लिखा होता है जी सेल्स इनवॉइस, ठीक है, और ऊपर कंपनी का या दुकान का नाम लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिखी होती है, यहाँ पे चीज़ों की क्वांटिटी, और वो लिखा होता है। इधर एक और लाइन अगर लगा लें हम जिसमें क्वांटिटी लिखी होती है, ठीक है। अभी हमें मैं एक ट्रांजेक्शन करता हूँ, ठीक है। मैं गया किसी साहब जिनका नाम है बी, ठीक है, बी के पास गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, ये बी ने मुझे इशू की, ठीक है, बी ने मुझे इशू की। बी के स्टोर से मैंने कुछ सामान लिया, सामान मैंने ले लिया जी, ए लिया, बी लिया, बल्कि से कर लो सी लिया, बी लिया, बी लिया, सी एन एंड के, ये तीन चीज़ें ली। अब इसकी जी जो क्वांटिटी ली है, क्वांटिटी मैंने इसकी एक की ली है जी, पांच चीज़ें ली हैं, एक की छह चीज़ें ली हैं, एक की चार चीज़ें। अब इसकी जो प्राइस है, सी की प्राइस है फ़र्ज़ करें कि 3 रुपये है, बहुत कम लगा दीजिए, 30 रुपये कर दो। एक सौ पचास हो जाएंगे। एन की वैल्यू जो है वो जितनी भी है मैं लगा देता हूँ, 300 लगा देता हूँ इधर, और इसकी 750 लगा देता हूँ या 800 लगा देता हूँ। इसका अब यहाँ पर टोटल लिखा होगा कि भाई टोटल कितना होगा। टोटल हो गया ना 1100, 1200, 1250। अब जी ये सेल्स डे बुक जो बन रही है, ये भी बी की बन रही है। किसकी? बी की बन रही है। मैं नहीं बना रहा, मैं आम इंडिविजुअल हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है सेल्स डे बुक बनाने की। ये सेल्स डे बुक बनाती हैं कंपनीज, बनाती हैं, कोई बड़े बड़े बिजनेस बनाते हैं, मैं तो नहीं बनाता, ठीक है। या मैं परचेज डे बुक बनाने बैठ जाऊँ घर में, क्या आज क्या क्या परचेज की है, नहीं। ये कंपनीज, कोई जनरल स्टोर, कोई बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग बनाते हैं, आम बंदा कोई नहीं बनाता सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक, क्या आज मैंने क्या लिया है और क्या बेचा है, क्या रिटर्न किया है, ठीक है। वो एक जनरल सी डायरी लिखता है। तो ये सेल्स डे बुक भी बी की है, ये मैं आपको बी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यही नेम है जो भी, यहाँ पे उसने मेरा नाम भी तो लिखा होगा ना इस जगह पे कि भाई ये उमेर साहब हैं, इनको हमने ये चीज़ें सेल की हैं आज की डेट में। यहाँ पे ये मैंने क्रेडिट सेल नहीं है, ठीक है, मैंने अभी पैसे नहीं दिए, जाके मैंने भाई गली की दुकान से लेके आ गया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी आप ले जाएं, जब आपको पैसे मिले या आपको कोई सहूलियत हुई तो दे देना, वरना आपको हम डेट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा जी, सबसे पहले डेट लिखी आज जी, फर्ज करें 6 मई है, ठीक है। मैंने ले लिया क्या है जी, मेरा नाम लिखेगी कंपनी है जो भी है बिजनेस है, इस इनवॉइस पे एक नंबर होगा, यहाँ पे फर्ज करें 150 नंबर है इनवॉइस नंबर, तो ये नंबर यहाँ पर लिख देंगे जी, ठीक है। अब जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देगी कंपनी 1250। अब जी कोई साहब है, ठीक है, ये तो हो गया, ये एंट्री हो गई। अब जी नेक्स्ट इनवॉइस जो बनी वो कोई बंदा आया है, ये पूरे मंथ की है, ठीक है। इसको हम डे बुक इसलिए कहते हैं कि ये एक ही चीज़ के लिए है। सात नेक्स्ट डे को आया जी, ये जी मीर साहब हैं कुछ,
इनकी इनवाइस नंबर 167 है और इन्होंने जो सामान परचेज किया है वो 8,000 का है। ठीक है, ये एक सेल इनवाइस है। सेल इनवाइस तो ये चीज होगी, ये सेल इनवाइस की आपको मैं बताइए, इस तरह से एक इनवाइस बनी होती है जो आपने जनरल देखी होगी। और ये सेल्स डेबो का है, जो कोई भी बिजनेस वाला बंदा बनाता है, कोई कंपनी बनाती है जो चीज़ें सेल कर रही है। ठीक है, हर कंपनी, जो भी कंपनी है, वो कुछ ना कुछ तो सेल कर रही है ना, वैसे तो कंपनी नहीं बनती। ये अपनी सेल्स की कर रही है जो कि क्रेडिट पे है। अब जो फर्ज करें कैश पे सेल हुई है, उसको हम कैश बुक में लिखेंगे, लेकिन कैश बुक आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ ये सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक पढ़ेंगे। यहाँ तक तो सेल्स डे बुक की बात होगी। अब जी नेक्स्ट जो है वो है परचेज डे बुक। परचेज डे बुक क्या चीज है? परचेज डे बुक इज अ बुक इन विच क्रेडिट परचेज रिलेटिंग टू बिजनेस आर रिकॉर्डेड। इसका जो सोर्स है, हम किस सोर्स पे बनाते हैं, इसका सोर्स है परचेज इनवॉइस। ठीक है, दिस इज अ बुक इन विच क्रेडिट सेल्स आर क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड। दिस इज अ बुक This is a book in which credit purchases are recorded. इसका सोर्स क्या है जी? सोर्स ऑफ मेकिंग, ठीक है, जिसकी बेस पे हम बनाते हैं, सोर्स है इसका परचेज इनवॉइस। अब क्या होगा, ये तो सेल्स इनवॉइस आ गई। ठीक है, अब एक हम परचेज इनवॉइस बनाते हैं, ये लेमडा ने सेल्स की है, किसको? बी को। ठीक है, अब लेमडा ने जो सामान खुद परचेज किया है स्टोर के शेल्फ में लगाने के लिए, ठीक है, वो वाली एक इनवॉइस बनेगी और एक इसी तरह से डे बुक बनेगी। अब ये परचेज इनवॉइस है, परचेज इनवॉइस। अब इसमें भी उसी तरह से यहाँ पे क्वांटिटी होगी, यहाँ पे आके आपकी अमाउंट होगी, यहाँ पे टोटल होगी। अब ये परचेज कौन कर रहा है जी? लेमडा मार्ट। सेल कौन कर रहा है जी? सेलर का यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, सेलर है जी खान ट्रेडर्स। ठीक है, और ये परचेज इनवॉइस है और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है किसको ये इशू हुई है, जिसके नेम पे इशू हुई है, वो कौन है? लेमडा मार्ट। ठीक हो गया,
खान ट्रेडर्स ने लेमडा मार्ट को एक परचेज इनवॉइस इशू की है। ठीक हो गया, लेमडा मार्ट ने क्या क्या चीजें परचेज की हैं, कोई भी उसके आइटम हैं जिस तरह से B1, J1, ये मतलब एक बड़ी बड़ी लॉट्स बनी हुई हैं, उसने उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कि भाई B1 ये लॉट है, इस लॉट में ये सामान है, उसके ऊपर मेंशन है, J1 लॉट है, इसके बीच में ये सामान है, ठीक है, और 09-1, ठीक है, 09-1 लॉट बनी हुई है, इसमें ये सामान इस तरह की चीज़ें पैक हैं। फ़र्ज़ करें बी में जो है ग्रासरी है, जे में जो है आपकी वीरिंग शर्ट्स वगैरह हैं, पेंट्स वगैरह हैं, जो 09 है इसमें फ़र्ज़ करें जी कोई आप कह लें कि शेव के सामान हैं, कोई इस तरह की मेकअप की ज्वेलरी वगैरह है, मेकअप सामान है, ये मतलब इसमें पैक हुआ हुआ है, वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जी इसकी जो इनवाइस है या क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी लिखी हुई है कि भाई इसने ये 2 लिए हैं, ये भी 2 लिए हैं और ये भी 2 लिए हैं, ठीक है, और इसकी जो प्राइसेस बनती हैं वो जी ये लाखों में कर देते हैं, लाखों में ना करो तो 1000 में कर देते हैं, 1200 आ गई इसकी जी, 1900 आ गई और इसकी 2000 आ गई, और यहाँ पे एक हमने टोटल करना है कि ये टोटल कितना हुआ। अब जी ये टोटल कितना हुआ, ठीक है, ये टोटल अब किधर लिखेगा, अब ये लेमडा मार्ट जो है ये एक और परचेज डे बुक बनाएगा, डे बुक बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, परचेज डे बुक। ये मैं यहाँ से नीचे एक लाइन लगाता हूँ और उसमें ये परचेज डे बुक लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज होगी। यहाँ पे इसका टोटल निकाल लेंगे, और यही सेम फॉर्मेट है, इसी को हम नीचे लेके चलते हैं, अगर तो बल्कि इसको छोड़ दें, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, यहाँ पे जी हम लिख देंगे परचेज डे बुक, ठीक हो गया, यहाँ पे कोई डेट यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ भी कर लें जी, फर्स्ट ऑफ 5 कर दें, फर्स्ट ऑफ 5 कर दें, ये जी हमने परचेज जो की है ये किससे की है, हॉन ट्रेडर से की है, नेम जो है मतलब उसका कंपनी का, ट्रेडर्स का, हॉन ट्रेडर्स, और जो इनवॉइस नंबर थी यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर लिख देता हूँ मैं, 2503, ठीक है, ये इसका नंबर है, यहाँ पे ये लिखिए 2503, 2503, और टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 5100। ये तो हो गई जी हमारी परचेज डे बुक, परचेज डे बुक क्या होती है, जितनी भी हमने परचेजेस की हैं। अभी हम जो हमारा मेन सोर्स है वो है लेमडा, ठीक है, हम लेमडा के हिसाब से हर चीज को देखेंगे। अगर आपको ये सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक इजीली समझ आ जाए और सही समझ आ जाए, डीपली समझ आ जाए, तो आपके लिए आगे इस चैप्टर में कुछ भी बाकी नहीं बचता, ठीक है। हमने ये जो कंपनी ली हुई है लेमडा, ठीक है, लेमडा, हमने लेमडा को अपने जहन में रखना है कि हम जितना हम मैं अकाउंटेंट लगा हुआ हूँ लेमडा मार्ट का, ठीक है, हमने सेल्स की है लेमडा मार्ट पे, मैं आगे मतलब बिल बना के दे रहा हूँ, सेल्स की है, ठीक
ये सेल्स इनवॉइस है, कोई 20 साहब आए हैं, ठीक है, उनको मैंने एक सेल्स इनवॉइस 150 नंबर की काट के दी है, जिसमें उन्होंने सी एन और के की चीज़ें ली, और इसकी जो क्वांटिटी थी वो 1 की 5 थी, 1 की 6 थी और 1 की 4 थी। यहाँ पर देखते हैं ये वाली जगह, ये ठीक है, ये 5, 6 एंड 4, ये उन्होंने क्वांटिटी इतनी इतनी ली, C की 5, K की 6 और N की 6 और K की 4। इसकी जो प्राइस बनती है मल्टीप्लाई करके, ये 150, ये 300 और ये 800, मतलब 200। K की 200 है, इसकी 50 है, इसकी और 30 है, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे पास बना है। अब इन दोनों, इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास 1250 बने। अब 20 आप उधर लिखना था, मैं इसको मैंने ऐसे ही कर दिया, यहाँ पे डी लिखना, यहाँ पे डी लिखना है और यहाँ पे ये नील लिखना है, वही वाला, ठीक है। अब जी ये 20 आपकी जो 150 वाली इनवॉइस थी, मैंने रेज की और मैंने पीछे भेज दी। अब सेल्स इनवॉइस जो है वो उसका कोई एक ही तो नहीं बनती, दो तीन भी बन सकती हैं, चार भी बन सकती हैं। आजकल का जिस तरह से कंप्यूटराइज्ड टाइम है, तो एक इनवॉइस बनती है, वो उधर से ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को चली जाती है, उधर से परचेज डिपार्टमेंट, उधर ही हर किसी सारे डिपार्टमेंट्स को एकदम से चली जाती है। जो ही आप इंटर करते हैं तो एक बंदे को निकल के दे देते हैं, जो आपका परचेजर है उसने परचेज की है आपसे, जैसे ही आप कुछ चीज़ें लेने जाते हैं ना मार्ट पे, तो आगे आपको एक इनवॉइस मिलती है कि हाँ भैया आपके इतने पैसे बनेंगे, आपने इतने पैसे दिए हैं हमें, इसमें से ये आपके बनते थे, ये हमने काट लिए और इतने की हमने आपको चेन वापस कर दिए, ये एक सेल्स इनवॉइस बन गई। इसका जो वो इंटर दबाते हैं, ये सेल्स इनवॉइस निकलती है, इसका कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम ये बना रहे हैं मैनुअल, मैनुअल सिस्टम पे है हम, हमने सेल्स इनवॉइस काट ली, उसके नीचे वो कार्बन कॉपी बन जाती है, वो हम संभाल के रखते हैं, ठीक है। वो हम अपने जो भी अकाउंटेंट है, ये जो भी जिसको जो बंदा सेल्स काट रहा होता है ना आगे, मतलब सेल्समैन है, उसे सेल्स इनवॉइस काट रहा होता है, वो जिसको भी मतलब रिस्पॉन्सिबल है उसको जाके वो बुक देते हैं कि भाई ये आज मैंने सेल्स की हैं, ये सारी आप देख लें। वो बंदा क्या करता है, सेल्स डे बुक, एक बड़े बड़े रजिस्टर बने होते हैं कि जितनी पूरे साल में, एक दिन में, पूरे वीक में या एक महीने में, ये एक्चुअल बनती है, एक महीने के लिए बनती है, साल की भी बन सकती है कि आपने पूरे साल में कितनी सेल्स की हैं, वो प्लस होती होती नेक्स्ट पेज पे चली जाती है, नेक्स्ट पेज से फिर प्लस होती होती नेक्स्ट पेज पे चली जाती है। ये मतलब आपके जो ही 31 दिसंबर आएगा, या आपका फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग डेट आएगी, तब ये सारी प्लस हो के एक अमाउंट आपको आ जाएगी, जो आपने लेके जानी होती है काम पे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में सेल्स की फिगर की जगह डलती है, ठीक हो गया। अब ये इनवॉइस क्रिएटर की हमारे सेल्स पर्सन ने, और शाम को उसने अपनी कॉपी ला के दे दी सेल्स डे बुक का, जो मैनेजर है जो भी है उसको दे दी, उसने ये रिकॉर्ड कर दिया, एक बी को की, एक जी 167 की मीर को की। ये 150 और 167 के दरमियान में जो हो रही है, मतलब इनवॉइसेस रेज हो रही हैं, वो सारी कैश वाली हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो सारी कैश वाली हैं, उसको हम देखेंगे कल इस जगह पे। ये हो गया, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारी मतलब इस महीने की, फर्ज करें ये जी आज क्लोजिंग डेट आ गई है इस मंथ की, होता है ना 30 जून, 30 मई है, मई 31 होता है यार, 31 मई 20, ठीक है, टोटल लिख देंगे आगे, टोटल कितनी हुई जी, यहाँ पे टोटल कर दें जी 9250, यही होता है ना, ये हमारी टोटल इस मंथ की सेल्स आ गई है। अब ये तो हो गई सेल्स डे बुक बन गई, इसके बाद आ गई परचेज डे बुक। अब जी ये परचेजेस की हुई थी, फिर आगे जी एक परचेज हुई कितने को जी, 3 को, फिर हमने 3-5 को फिर कुछ हमने सामान मंगवाया, किससे जी, जापान ट्रेडर से,
इसकी जो इनवॉइस नंबर थी ये उसकी तरफ से जो इनवॉइस आ रही है वो है, ठीक है, इसका कोई भी वो इशू नहीं है क्या, जो इनवॉइस नंबर है इसका जी 101, ठीक है। अब ये भी अमाउंट हमने नहीं लिखी हुई 5100 की, ये 5100 की आ गई, इससे हमने जी सामान ले लिया 3000 का, ये हो गया। अब परचेज इनवॉइस, यही लेमडा मार्ट का जो परचेज मैनेजर है या परचेजिंग वाला बंदा है वो गया है जी खान ट्रेडर्स के पास कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए तो आप हमें दे दें, उसने दे दी है परचेज इनवॉइस दे दी है कि भाई आपने ये जो खान ट्रेडर्स की तरफ से, खान ट्रेडर इस परचेज इनवॉइस को अपनी सेल्स इनवॉइस कंसिडर करेगा और लेमडा मार्ट इसको अपनी परचेज इनवॉइस कंसिडर करेगा। वैसे परचेज इनवॉइस नाम की चीज नहीं होती, इस पे भी लिखा हुआ सेल्स इनवॉइस ही होगा, ठीक है, लेकिन ये लेमडा मार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज इनवॉइस है, लेकिन हान ट्रेडर्स के इधर हाँ ये भी इनवॉइस पर सेल्स इनवॉइस लिखा होगा, ये मैंने समझाने के लिए परचेज इनवॉइस लिखा है, ठीक है, ये ना हो कंफ्यूज हो जाएं कि यार परचेज इनवॉइस, लेकिन होती ये सेल्स इनवॉइस ही है। इसको लेमडा मार्ट जब अपने अकाउंट्स में लेके आएगा तो ये परचेज इनवॉइस से कंसिडर करेगा, ठीक हो गया। अब ये इसने परचेजेस की हैं, ये 5100 बना है, इसको लेके इधर आ गया है। अब यहाँ पे इसने जो जापान ट्रेडर से इसी तरह की यही इनवाइस बनी है, फर्ज करें इसकी अमाउंट 3000 आ जाती है, यहाँ पे जापान ट्रेडर से लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसका टोटल अगर करें कितना आ जाएगा जी, दस एक सौ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये अमाउंट परचेज डे बुक के मतलब एंड पे चली जाएगी, ये 31st को मतलब जो भी है 31/5/2020 को, ये तो हो गया सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक। अब जी नेक्स्ट जो है वो हम जाते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक, ये हमने सेल्स की हैं। सेल्स रिटर्न डे बुक मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, यहाँ पे बस आपने लिखना है सेल्स रिटर्न डे बुक, बल्कि छोड़ दें, यहाँ पे बनाता हूँ एक सेल्स रिटर्न डे बुक, बल्कि छोड़ दें। नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे ये एड का ऑप्शन आता है, बल्कि इसे उठा के इधर रखता हूँ। अब जी मैं आपको सेल्स डे बुक का बताता हूँ, सेल्स डे बुक जो होती है सेल्स रिटर्न डे बुक ये होती है जी, द क्रेडिट नोट्स आर लिस्टेड इन अ सेल रिटर्न डे बुक। कुछ चीज़ें हमने लेके आए हैं वो वापस आ गई हैं, मतलब तो जो हमने सेल्स की हैं सी एन और के, सी की जी वो भाई कहता है कि यार ये जो पांच चीज़ें मैं लेके गया था इसमें दो तो ख़राब हैं, ये आप वापस रखें, मुझे चेंज करके दें या मुझे पैसे वापस करें या जो भी होता है, बल्कि ये तो है ही क्रेडिट है, क्रेडिट सेल्स हुई हैं तो ये एडजस्ट होंगी, सही हो गया ना, समझ आ रही है ये जी रिटर्न हो रही है, तो इसको हम इधर ऐसे ही लिख देंगे जो चीज़ रिटर्न हो रही है। अब सेल्स इनवॉइस वो सात बंदा लेके आएगा जिसको हमने दी है, और हम इधर एक सेल्स डे बुक बनाते हैं, बल्कि सबसे बेहतरीन काम जहाँ पे हम सेल्स डे बुक बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगी सेल्स रिटर्न डे बुक। इसमें मैं इनवॉइस नंबर वगैरह या कुछ भी वो चीज़ें नहीं लिखता, ये जनरल बनाता हूँ, ये बी ने बी के ये इसके अगेंस्ट नोट बनेगा रिटर्न नोट में, ठीक है। तो जी द क्रेडिट नोट्स आर लिस्टेड इन अ सेल्स रिटर्न डे बुक, ये सेल्स रिटर्न डे बुक किसके सोर्स पे बनती है कि सेल्स के जो होते हैं ना क्रेडिट नोट्स इशू होते हैं। अब हुआ क्या है, सेल्स जो थी वो क्रेडिट थी, क्रेडिट पे सेल्स थी, तो
तो जो ही वो ये बंदा जो बी है, ये हमारे दो प्रोडक्ट वापस लेके आया है, दो चीजें वापस लेके आया, यार ये खराब है इन्हें वापस करो, तो आप उसे एक क्रेडिट नोट इशू करोगे। ठीक है, क्रेडिट नोट में लिखो था कि भाई इसने हमसे इस सेल के अगेंस्ट हमसे इतनी चीजें लेके गया था, ये जो दो चीजें हैं ये डिफेक्टिव हैं, वापस आ गई हैं, या इनको पसंद नहीं है, या जो भी कह लें, हजारों वजूहत हो सकती हैं, ये वापस आ गई हैं या उनके काम की नहीं है, तो वापस आ गई, आपने क्रेडिट नोट उसे इशू कर दिया। एट द एंड ऑफ मंथ द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न डे बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड क्रेडिट टू डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। ये बात की बात है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगा। अब जो नोट बना जी, नोट में लिख दिया कि बी साहब हैं यहाँ पे, बी हैं, इन्होंने जी जो ली थी सी कौन सी चीजें ली थे, मतलब ये जो इनवाइस नंबर है 150, इसमें जो चीजें लेके गए थे उसमें से वापस आ गई हैं, तो दो चीजें वापस आई हैं, क्वांटिटी जो है दो की वापस आ गई है, दो की वापस आई है, तो ये हो गया 60, 60 के एक उसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे ऊपर लिखा होता है, ठीक है, ये क्या जी सेल्स रिटर्न डे बुक, ठीक हो गया। अब परचेज रिटर्न डे बुक भी यहीं पे मैं आपको बना देता हूँ एक छोटी सी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेज रिटर्न डे बुक, PURCH, परचेज रिटर्न डे बुक। अब ये हुआ क्या है, ये हमने परचेजेस की थी जो खान से, ठीक है, खान ट्रेडर से परचेजेस की थी, कितने की, 5100 की, इसमें से बाकी छोड़ दें, हमने कितने की वापस कर दी, 1000 की वापस कर दी। यहाँ पे डेट लिखेंगे, डेट होगी, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करके जाता हूँ जी मैं, ये हमने इनवॉइस जो थी ये 15 को गई, तो 10/5 को डेट आ गई। आगे जी खान ट्रेडर्स लिख देंगे, जो नाम है खान ट्रेडर्स, ठीक है, जो चीज़ें वापस कर दी उसकी अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर, कितने की, 2000 से वापस कर दी, मतलब हमारा 5100 इधर बैलेंस आ रहा था और 2000 इधर बैलेंस आ रहा है, यहाँ पे भी हम टोटल करेंगे, इसको भी टोटल करेंगे, ये इक्वल हो जाता है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे ये 5100 लिखा हुआ है परचेज डे बुक में, तो ये हमारी परचेज ओवर हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, या यहाँ पे लिखा हुआ है और हमने वापस भी कर दी है, वापस आ भी गई है, तो नहीं, ये इनका नेट इफेक्ट जा रहा है, लास्ट पे क्या होगा, नेट इफेक्ट चला जाएगा। जब आप सेल्स लिखते हो ना अपने उसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, अगर मैं आपको बताऊं, ये बना होता है इस तरह से, ठीक है, और ये आपकी फर्ज करें बन रही है जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दोनों कह सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो कॉलम वाइज बनती है, और ये एक लेजर टाइप, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो लेजर वाइज बनता है। यहाँ पे सेल्स लिखते हैं जी, सेल्स कितनी हुई जी हमारी टोटल, 50, नहीं सेल्स किधर है, सेल्स हमारी 9250 की हुई। अब इसके नीचे जी माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहाँ पे हो रही हैं, ये हो रही हैं, सेल्स रिटर्न कितने की हो रही हैं जी, मैं इसको डायरेक्ट इसी तरह से सेल्स रिटर्न लिख देता हूँ,
ठीक हो गया। सेल्स रिटर्न कितने की हो रही है? 60 की आ गए ना, इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इधर बाकी चीज़ें लिख के जहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहाँ पे परचेज लिखी, परचेज परचेज कितने की हुई जी हमारी टोटल? ये 10,100 की हुई। अब हुआ क्या जी, माइनस क्या हुआ जी? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितने की हुई जी? परचेज रिटर्न 2,000 की होगी, नेट इफेक्ट आ जाता है। ये हो गया जी हमारा डे बुक्स हो गई। डे बुक्स आपको मैंने चार बता दी हैं, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक। अच्छा, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक इधर हो हुई हैं, इनको आपने इग्नोर करना है। एक ये मिस्टेक हुई है, एक ये मिस्टेक हुई है, और भी मतलब ये जो TRXS लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे मैं SR सेल्स रिटर्न, ये PR परचेज रिटर्न, यहाँ पे जगह नहीं होती। और दूसरा थोड़ा राइटिंग का भी मसला होता है कैसे लिखा जाए, तो फिर मैं शॉर्ट शॉर्ट वर्ड यूज करता हूँ। PLAC इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। ये दोनों एक ही चीजें होती हैं, लेकिन इनका बनाने का जो मेथड है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये मैंने जो बनाया है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन इसको मैं SOCI भी कंसिडर करता हूँ। लेकिन जो SOCI कंसिडर होता है वो इस तरह से एक कॉलम बनता है, सीधा यूं लाइन लगाई, इधर अमाउंट्स होती हैं, इधर ऊपर सेल्स, सेल्स रिटर्न, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेज, फिर परचेज रिटर्न, फिर इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, जो जो चीज़ें होती हैं वो लिखते जाते हैं। ये आ गई जी आपकी परचेज डे बुक्स का लेक्चर 1। इसमें जी आपको जो चीज़ समझना है आप पूछ सकते हैं। ये मैं नंबर लिख देता हूँ उधर, ये है मेरा जी व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।